खट्टर साहब ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया माननीय अरविंद केजरीवाल जी के लिए। खट्टर साहब ये साफ दिखा रहे हैं, खट्टर साहब की सरकार खटारा हो गई है, बिना सिर पैर के बयान दे रहे हैं। फिजूल खर्ची रोकने के लिए, जनता का पैसा बचाने के लिए बात की तो तिल मिला गई, अवश्य अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी तो पहले ही कहते हैं कि आप हमें गाली दे लो, परंतु जनता के काम तो करो, जनता के सुविधाएं तो बनाओ, जनता के लिए स्कूल और हॉस्पिटल तो बनाओ। परंतु खट्टर साहब ना युवकों को रोजगार दे पा रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, स्कूल हॉस्पिटलों का बुरा हाल है, महंगाई काबू से बाहर है, किसानों की दुर्गति हो रही है। किसानों को ये कभी आतंकवादी का दर्जा देते हैं तो कभी चीन और पाकिस्तान के अंदर इनकी जड़ें बताते हैं। खट्टर साहब को जनता का कोई फिक्र नहीं है, फिक्र है तो चौटाला परिवार को लाखों की पेंशन ना कट जाए, पूरा जोर लगा रखा है करोड़ों रुपए जनता के ना बच पाए और ये इनके एमएलए को जाते रहे, इस बात की जगत के अंदर खट्टर साहब लगे हुए हैं। हमने यही कहा सिर्फ एक एमएलए को एक पेंशन मिले तो आप करोड़ों रुपए बचा सकते हैं, जिससे स्कूलों की हालात सुधार सकते हैं। खट्टर साहब आपकी सरकार खटारा हो चुकी है, अगर आप ने आम आदमी पार्टी के हिसाब से आम आदमी के हिसाब से काम करना शुरू नहीं किया तो आम आदमी पार्टी आने के लिए तैयार है। ये देश बदलाव चाह रहा है, हरियाणा बदलाव चाह रहा है, हरियाणा के गांव का शहर का हर व्यक्ति बदलाव चाह रहा है, परंतु आप जो इस पूरे प्रदेश का सिस्टम को खटारा कर दिया है, आपने पूरे प्रदेश के अंदर गुंडा राज कर दिया है। 6 बजे के बाद महिलाएँ घर से निकलते हुए डरने लगी हैं, बलात्कार के केस सुर्खियों के अंदर छपने लगे हैं, युवक पूरे हिंदुस्तान सरकार का डाटा है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी 26% बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है, यानी कि हर चौथा व्यक्ति बेरोजगार है। और मैं अगर बात करूं 18 से 24 वर्ष के बच्चों का, 18 से 28 वर्ष के बच्चों का, तो 85% बच्चे बेरोजगार हैं। जिन बच्चों को पहले नौकरी मिली हुई है वो डाटा उसके अंदर आता है। वर्तमान में जो बच्चे ग्रेजुएशन करके निकल रहे हैं, जो बच्चे स्कूल पास आउट होकर निकल रहे हैं, अगर वो रोजगार चाहते हैं तो हरियाणा के अंदर पिछले 6 साल के अंदर कोई इंडस्ट्री नहीं लगी, पिछले 6 साल से कानून का राज खत्म हो चुका है। मैं आपसे एक बार पुनः निवेदन करता हूँ, हरियाणा के अंदर 1 पेंशन फॉर 1 MLA का रूल लागू करें और इससे करोड़ों रुपये बचा के इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने का काम करें।